द ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कोरोना के दो मरीजों पर पुलिस ने एफआईआर की है। 63 साल की एक महिला ने अपने दुबई से लौटने की बात नहीं बताई। बाद में ये महिला कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई। इस महिला पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 270 के तहत केस दर्ज किया है। इसके तहत उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इस महिला को अस्पताल में अधिकारियों को जबरन क्वारंटीन करना पड़ा। ऐसा ही एक मामला कांगड़ा से ही 32 साल के एक युवक का है। ये शख्स सिंगापुर से लौटा था। इस पर भी पुलिस ने आईपीसी की धारा 270 के तहत केस दर्ज किया है। और भी गिरफ्तारियां हुई हैं। हिमाचल के सोलन जिले की अकरी तहसील से भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये इंडोनेशिया से लौटे थे और क्वारंटीन प्रक्रिया को बिना माने घर से निकल गए। ऐसे ही शिमला के रोड़ों में एक पूरे परिवार के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कर्फ्यू और लॉकडाउन के निर्देश न मानने पर पूरे प्रदेश में कुल 54 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर से 20 और शिमला से 13 गिरफ्तारियां हुई हैं। 10 लोगों को सिरमौर से गिरफ्तार किया गया है। 26 मार्च को कुल 40 एफआईआर दर्ज की गई, वो भी सिर्फ हिमाचल प्रदेश से। इनमें से ज्यादातर मामले आईपीसी की धारा 188 के तहत आते हैं। कुछ मामले धारा 269 और 270 के भी हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों में कोविड-19 के मामले में दिए गए निर्देश न मानने पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से आधा दर्जन मामले वो थे जिनमें विदेश से लौटे लोगों ने देश लौटने की खबर स्वास्थ्य अधिकारियों को नहीं दी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी ललन टॉप को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।